आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ ऑन टिप्स में। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट अलजेब्रा बीजगणित करेंगे, जो आईटीआई सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, जो मैकेनिकल ग्रुप से और इलेक्ट्रिकल ग्रुप दोनों से रिलेटेड करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है चैप्टर नंबर, चैप्टर क्या हमारा, बीजगणित। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है, बीजगणित होता क्या चीज है, बीजगणित कहते किसे है। जो बीजगणित होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बीज प्लस में गणित। ठीक है, यहाँ पे आपका बीज से मिले मतलब आपका आता है अक्षर से, जो बीज आपका होता है वो अक्षर से रिलेटेड होता है। अक्षर आपके हिंदी अल्फाबेट के भी हो सकते हैं और इंग्लिश अल्फाबेट के भी हो सकते हैं, और गणित आपका रिलेटेड होता है अंकों से। ठीक है, गणित की वह शाखा जिसमें अंकों के साथ साथ हम अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं वो बीजगणित कहलाता है। ठीक है, में हम अंकों के साथ में अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं, अक्षरों में आप क्या रहते हैं, ए बी सी डी, हिंदी के भी आ सकते हैं आपके, एक्सेट्रा। ठीक है, अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं। बीजगणित कहलाता है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन आती है, इसमें इसके कुछ क्षेत्र होते हैं। ठीक है, ये आगे की जब आप क्लासेस में जाओगे, जैसे आपने बीएससी विद मैथ लिया है उसमें जाओगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे, या बीएमए बीकॉम में। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक टॉपिक करा लेता हूँ, कौन कौन सी शाखाएं इसके अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले आती है एलिमेंट्री अलजेब्रा, एलिमेंट्री। ठीक है, सेकंड पे आती है अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। थर्ड पे आपका आता है लीनियर अलजेब्रा। फोर्थ पे आपका आता है यूनिवर्सल अलजेब्रा।
में आपका आता है अलजेब्रिक नंबर थ्योरी, ठीक है। फिर तो आपका आ गया अलजेब्रिक नंबर थ्योरी। सिक्स पे आपका आएगा अलजेब्रिक जियोमेट्री, ठीक है। सिक्स पे आपका क्या है अलजेब्रिक जियोमेट्री, ठीक है। सेवन्थ में आपका आएगा अलजेब्रिक कॉम्बिनेट्रिक, अलजेब्रिक ठीक है। तो आपके पास ये सात अलजेब्रा के कार्यक्षेत्र रखते हैं इसमें, ठीक है। ये बीए बीएससी के लिए है, बीकॉम के लिए। हमारा जो टॉपिक मेन है वह बीजगणित कहते हैं किसे, और इसका इसमें हमारा आएगा कि हमें इसको ऐड कैसे करना है, ऐड कैसे करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। कोष्टक में इनका प्रयोग कैसे करेंगे हम, ठीक है। कुछ नियम है जिनका हम प्रयोग करेंगे ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों के लिए, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, ठीक है। ये कह रहा है भाई यदि संख्या में, ठीक है, या फिर क्वेश्चंस में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिए गए हैं तो उनको हल करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट रूल, ऐसा नहीं है यदि सभी संख्या प्लस की है और उनको ऐड करना, उनको क्या करना है ऐड करना। मान लो प्लस ए और प्लस ए है, ठीक है, यदि दो संख्या है एक प्लस की है और उसको प्लस करना है दूसरी प्लस की संख्या से, या तीन संख्या भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, यदि सभी प्लस में है तो ये नियम तभी लागू होगा, ठीक है। तो हमारा आएगी वैल्यू प्लस में आएगी, ठीक है। जैसे कि मेरे पास प्लस के चार ए, ठीक है, प्लस के पाँच ए, ठीक है। अब मेरे को इन दोनों को जोड़ना है, जैसे कि मेरे पास प्लस चार ए प्लस में पाँच ए, ये दो संख्याएं ये दोनों प्लस में है, ठीक है। एक और बात, यदि किसी भी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो वो संख्या हमारी पॉजिटिव कहलाती है, वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, पॉजिटिव कहलाती है। तो इनको हम जोड़ देंगे ये प्लस के नाइन आ जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, दूसरा नियम क्या कहता है, यदि एक साइन प्लस का है और दूसरा साइन माइनस का है, ठीक है, ये हम उनको जोड़ रहे हैं, दूसरा नियम क्या कहता है,
यदि दोनों साइन माइनस के हैं और उनको हमें जोड़ना है तो हमारी संख्या क्या आएगी, माइनस की आएगी। ठीक है, दो संख्या है माइनस की है, हम उनको जोड़ रहे हैं तो संख्या किसमें आएगी, माइनस की आएगी। जैसे कि माइनस के फोर ए है, ठीक है, मुझे इसको ऐड करना है माइनस के फाइव ए। ठीक है, तो माइनस के फोर ए, माइनस के फाइव ए, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस के नाइन ए। क्लियर है, तुम्हारी क्या आएगी, माइनस की संख्या आएगी, ये दोनों माइनस की। क्लियर है, तीसरा नियम क्या कहता है, यदि दोनों संख्याएं प्लस की है और उनको मल्टीप्लाई करना है, दोनों संख्या प्लस की और उसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी संख्या कहेगी प्लस में। ठीक है, जैसे कि चार ए मल्टीप्लाई बाय पाँच ए, पाँच के बीस ए की टू। ठीक है, तो ये बीस किसका है, हमारा प्लस का है। ठीक है, फोर्थ रूल कहता है यदि दोनों संख्या माइनस की है और हम उनकी क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों माइनस की है और हम उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, संख्या मर जाएगी, प्लस की आएगी। ठीक है, जैसे कि मेरे पास माइनस के चार है, मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस के पाँच से। ठीक है, माइनस के चार है और माइनस के पाँच से मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पाँच के बीस ए की टू। माइनस के चार है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस के पाँच है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास संख्या ही बीस ए की दो, फोर फाइव जो ट्वेंटी ए की टू, तो ये किसकी प्लस की है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरे पास प्लस की है तो उसकी मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस, एक मेरे पास संख्या प्लस की है और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस के हिसाब से, तो मेरी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, जैसे कि मेरे पास प्लस के चार है और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस के पाँच छः से। ठीक है, तो पाँच के बीस ए की टू माइनस की। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की आएगी। ठीक है, छठा रूल कहता है हमारा, सिक्स नियम, यदि मैं प्लस टू वाली संख्या को, प्लस वाली संख्या को यदि मैं भाग कर रहा हूँ इसे प्लस वाले से। ठीक है, तो जो यदि मैं प्लस वाली संख्या को भाग कर रहा हूँ प्लस वाली संख्या से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास चार ए है, मैं उसको भाग कर रहा हूँ पाँच ए से। ठीक है, तो चार ए गुणा में एक बटे पाँच ए, ए से ए कट हो जाएगा तो चार बटे पाँच, तो ये वाली किस में आई है, ये वाली मेरी प्लस में आई है। ठीक है, नंबर सात पे है, यदि दो संख्या है माइनस वाली और मैं उनको भाग कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, तो जो मेरा मान आएगा वो प्लस में आएगा, जैसे मेरे पास माइनस के चार है मैं उसको भाग कर रहा हूँ माइनस के पाँच ए से। ठीक है, माइनस के चार ए मल्टीप्लाई वन बटे में माइनस के पाँच ए, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो चार बटे पाँच, ये वैल्यू किस में आई है, मेरी प्लस में आई है। ठीक है, तो सातवां रूल मेरा ये कहता है। अब आते हैं आठवां रूल, अब
आते हैं हम आठवें रूल की तरफ, हमारा अब आते हैं हम आठवें रूल की तरफ। हमारा आठवां रूल कहता है यदि दोनों में से कोई एक संख्या माइनस की है, जी वो आगे वाली हो जी वो पीछे वाली हो, ठीक है जी यहाँ पे हो जी वो यहाँ पे हो, दोनों कंडीशन में आंसर मेरा किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। यदि ये माइनस भाग में प्लस वाली है तो भी माइनस आएगा, प्लस भाग में माइनस है तो भी मेरी वैल्यू क्या आएगी, संख्या की माइनस आएगी, ठीक है। जैसे कि प्लस के चार है, निचले भाग करना उसको माइनस के पाँच है, कहिए ना प्लस के चार है, भाग किसके करूँगा उसको माइनस के पाँच है, चार है गुना में एक बटे में पाँच है माइनस, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के चार बटे पाँच आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं इस साइड वाली माइनस ले लेता हूँ, ये तो मेरा पहले वाला था आठ, अब यदि मैं माइनस चार है इसको भाग करता हूँ प्लस के पाँच है, कह रहे ना माइनस के प्लस के तो माइनस आएगी, माइनस के चार है गुना में एक बटे पाँच ए, ए से ए कट जाएगा तो माइनस के चार बटे, ठीक है। दोनों ही जरूरतों में क्या आया, माइनस की वैल्यू आई है, ठीक है जी। मेरी प्लस की वैल्यू इस साइड हो और माइनस की इस साइड हो, या फिर माइनस की आगे हो और प्लस की पीछे हो, दोनों ही कंडीशन में मेरा वैल्यू का मान किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। ये थे रूल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस के, ठीक है। और आई होप आपको ये टॉपिक आज का पसंद में आया होगा, यदि पसंद में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इन टॉपिक्स के इस टॉपिक में आपको कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे मेरे साथ वो अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।